हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप कैसे हो। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं टिंकू कुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी कैंट की तरफ से एक नई भर्ती जिसे आप देख ही रहे होंगे। आ गई भर्ती और इसमें पोस्ट नेम जो है इसका ग्रुप सी है और कैटेगरी जो रहेगी वो आप देख पा रहे हो। तो कैटेगरी जो है वो ये रही आर्मी कैंट ग्रुप सी नोटिफिकेशन 2024, उसका नंबर ये है और ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है और इसमें सैलरी जो दी गई है वो अच्छी खासी सैलरी दी गई है। तो इसमें सैलरी देख रहे होगे आप 16,800 से 75,000 पर मंथ मिलेंगे और इसका मोड जो रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा, जैसे हम आगे आपको बताएंगे। इसमें थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, देख रहे होगे वैकेंसी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन नंबर ऑफ पोस्ट आप इसके इसे देख रहे होगे। प्लीज़ चेक दी नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा इसको। और पोस्ट नेम जो रहेंगे इसमें, पोस्ट नेम जो है वो आप देख रहे होगे, ये है पोस्ट नेम MTS है, रेंटर ऑफिसर, नर्सिंग असिस्टेंट, ये है फीमेल अटेंडेंट, साफी वाला। और पोस्ट डिटेल्स जो है वो पोस्ट नेम आपको देख रहे होगी, एक पोस्ट ये रहे इसमें है, सब में एक एक पोस्ट है, ये रही और ये रही और ये रही, एक एक पोस्ट है सब के अंदर। और इसका आप बता दें कि ये ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा, आप देख रहे होगे ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। दोनों तरह से इसका अप्लाई मोड रहेगा, मतलब फॉर्म भरने का वो रहेगा। और हु कैन अप्लाई, मतलब ऑल इंडिया के लिए यह वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यह वैकेंसी है। और जॉब लोकेशन जो रहेगी वो इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑल इंडिया में। और इसकी सैलरी मैंने आपको बताई दी है, इसकी बेसिक सैलरी जो है यह 16,800 से 75,000 पर मंथ तक इसकी सैलरी मिलेगी, जो कि ठीक ठाक है। और इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दूँ, सभी के लिए फ्री है, जब वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, PWS हो, किसी के लिए भी हो वो फ्री रहेगी। और इसमें कैंडिडेट एज लिमिट जो रहेगी वो एज लिमिट इसमें ठीक ठाक दी गई है। एज लिमिट जो है वो EWS और जनरल के लिए जो दी गई है वो 18 से 40 और OBC के लिए 18 से 43 और SC ST के लिए 45 18 से। और इसकी एज काउंट जो की जाएगी वो 12 अप्रैल से की जाएगी। और एज रिएक्शन जो है इसमें सबको 3-3 साल की छूट मिली है इसमें एज रिएक्शन की तरफ से। और फिजिकल टेस्ट थोड़ी डिटेल्स के बारे में दे दी, इसमें 1.65 हाइट मांगी गई है और 1.55 फीमेल के लिए हाइट मांगी गई है। नॉर्थ से हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा और कम कर लें। और इसमें आपको बात बता दूँ, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो आप देख ही रहे होगे, 30 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स 25 नंबर, साइंस 25 नंबर, टोटल जो मिलके बनने हैं वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें टाइम जो है वो टाइम रहेगा आपका, देख रहे होगे, 2 घंटे रहेंगे टाइम वो। और इसकी OMR एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसमें वही मैं बता दूँ, रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट, और इसके बाद सीधा ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूँ, देख रहे हो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th+2 मांगा गया है, पूरे भारत में कहीं से भी कर रखी हो। इसमें आपने 10th+2 होना चाहिए आपके पास, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें देखो 12th+ मांगा गया है और फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए, उसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए, मेडिकल डिप्लोमा। और इसमें 10th पास मांगा है और प्लस एक्सपीरियंस, 10th पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसकी 30 मार्च और इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल है। और देख रहे होगे, इसी फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर लें
अपने को फॉर्म भरना है। तो मैं उम्मीद है आपको यह है नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं वो आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।